नमस्कार साथियों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए रीटेक 2017-18 फाइनल कट ऑफ है लेवल ए के, और रीट 2021 है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है लेवल एक के लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ। मैं आपको पहले बता दूँ, यह निश्चित नहीं है, मात्र अनुमानित है, जो फाइनल कट ऑफ हो भी सकती है और नहीं भी। इस कट ऑफ से फाइनल कट ऑफ है अनुमानतः +5 या -5 हो सकती है, यह एक संभावना है। किंतु मैं आपको बता दूं, मैंने कट ऑफ बहुत विश्लेषण है, कठोर परिश्रम करके तैयार की है, भिन्न प्रकार की जानकारी एकत्रित की है, फिर कहीं यह बना रहा हूं। तो जो रीड 2017-18 में फाइनल कट ऑफ लेवल एक के लिए जनरल की थी वह 72% है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रीट का एग्जाम 150 अंकों का होता है, तो उसमें ये 72% कैसे लिया गया? तो मैं आपको बता दूं, रीट की जो मार्कशीट होती है 150 अंक की, उसमें 70% है लिए जाते हैं आपके रीट के अंक मार्कशीट की 2017-18 में, और 30% लिए जाते हैं क्लास 12th की मार्कशीट। तो इनका टोटल निकालने पर रीट की अंक सूची में 72% है 150 का निकाला, और उसकी मार्क जहां जिसकी मार्क वहां तक पहुंची तो उसका सिलेक्शन हो गया था। जैसे आप 150 का 72% निकालेंगे तो जनरल के लिए कट ऑफ थी 72% है, ओबीसी के लिए कट ऑफ थी, सॉरी जनरल के लिए थी 74%, कितनी थी 74। ओबीसी के लिए कट ऑफ थी 72%, एमबीसी के लिए थी 70.67 है, अर्थात मैक्सिमम ले लें 71। एससी के लिए कट ऑफ थी 68, एसटी के लिए कट ऑफ थी 65.33 है, अर्थात 66 है कि इनकी कट ऑफ थी। 150 का 74% अंक निकालने पर जितने आते हैं उतने में उनका सिलेक्शन हुआ था। अब इनके हम मार्क कैसे निकाल सकते हैं? आप 150 का 74% निकालें तो का के स्थान पर आ जाएगा गुणा का चिन्ह, फिर 74/100 गुणा करोगे तो 11 इतना प्राप्त होगा, इसमें भाग 100 का दोगे तो 111 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार आप जब ओबीसी के लिए 150 का 72% निकालोगे, ये सभी मान लगभग में हैं। 150 का 71% निकालेंगे, सॉरी 150 का 72%, तब यह मान 108 प्राप्त होगा। ये किस में प्राप्त हो रहे हैं? लगभग में। मान तो करेक्ट प्राप्त हैं, लेकिन कि जो फाइनल कट ऑफ उतरी थी वह लगभग में थी, इतने की समथिंग गई थी। एमबीसी के लिए 150 का 71% निकालोगे तो 106.5 जाएगा, ये भी किसमें है? लगभग में। इसी प्रकार एससी का निकालेंगे 68% है तो 102 अंक निकलेगा, ये भी किसमें है? लगभग में। एसटी का निकालोगे तो 99% निकलेगा, 99 अंक, अर्थात जिसके अंक 2017-18 में जनरल में 111 थे उसका सिलेक्शन वर्ग 3 यानी कि वर्ग 1 लेवल 1 में हो गया था। ओबीसी में जिसके अंक 108 थे उसका सिलेक्शन हो चुका था। एमबीसी में जिसके अंक 106.50 थे उसका सिलेक्शन हो गया था। इसी प्रकार एससी में 102, एसटी में 99, उनका सिलेक्शन हो चुका था। तो अब यह इसी तरह हम जब कट ऑफ निकालेंगे तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कितनी जा सकती है 2017-18 की अपेक्षा हाई। तो मैं आपको बता दूं, रीड लेवल फर्स्ट की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वह इस वर्ष बहुत अधिक हाई जाने वाली है, क्योंकि इस वर्ष अदर स्टेट के फार्म भी अधिक डले हैं। दूसरी बात, तैयारी भी अच्छी हुई है। आप एमपी से ही ले लीजिए, एमपी की बहुत हाई वर्ग 2 और 1 की कट ऑफ गई है। तो इस बार रीट की वर्ग 1 की कट ऑफ लेवल 1 की बहुत हाई जाने वाली है, तो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कुछ इस प्रकार रह सकती है।
जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना रहा हूँ, आप देखकर आपको लगेगा कि बहुत हाई बनी है, तो मैं आपको बता दूँ, आप जितनी अच्छी हाई तैयारी रखकर चले उतना ही अच्छा है। वैसे इस बार कुछ इसी प्रकार के आपको नतीजे देखने मिलेंगे। मैं आपकी संतुष्टि के लिए नहीं बना रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा जो कट ऑफ बनाई जा रही है वह फाइनल कट ऑफ हो। इसलिए आप यदि इस प्रकार की तैयारी करती हैं तो आप सिलेक्शन क्लियर मानकर चलिए मेरी कट ऑफ के अनुसार। तो देखिए, जनरल की है कट ऑफ 122 से 127 के मध्य रह सकती है। फीमेल में वही 119 से 124 के मध्य, ओबीसी में 118 से 123 के मध्य, वहीं फीमेल में 115 से 120 के मध्य, एमबीसी में 117 से 122 के मध्य, फीमेल में वही 112 से 117 के मध्य, एससी में 111 से 116 के मध्य, वहीं फीमेल में 110 से 115 के मध्य, एसटी में 105 से 110 के मध्य, वहीं फीमेल के लिए 100 से 105 के मध्य रह सकती है। ये संभावना जताई जा रही है। तो आप इस कट ऑफ के अनुसार तैयारी रखें। यदि आप इस कट ऑफ के अनुसार तैयारी करते हैं तो आप कहीं हद तक क्लियर मानकर चलिए कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूं कि आपकी कट ऑफ है, आप जो तैयारी कर रहे हैं इसी के अनुसार कर रहे हो और इससे अच्छी की तैयारी कर रहे होंगे। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।